चलो हम क्या पढ़ने वाले हैं, एडोब प्रीमियर, ठीक है, आपका मल्टीमीडिया सब्जेक्ट है ना, मल्टीमीडिया मतलब एडवांस मल्टीमीडिया है ना। एक बार सिलेबस दिखा देता हूँ मैं आपको, ये देखो ये आपका पीजीडीसीए का सिलेबस है ना, क्योंकि डीसीए में तो है नहीं वो, ये पीजीडीसीए सिलेबस में आप देखो सेकंड सेम में आप जब जाओगे तो आपको मिलेगा कोरल ड्रा मिलेगा 3 यूनिट में, 1 यूनिट में मिलेगा प्रीमियर, एडोब प्रीमियर प्रो, पहले प्रीमियर चलता था अब प्रो आ गया है, प्रो मतलब समझते ही नहीं, हाँ एडवांस वाली चीजों को प्रो में गिना जाता है और नॉर्मल वाले को प्री में, तो ये प्रीमियर प्रो था और उसका प्रो वर्जन आ गया है, ठीक है। उसके बाद एक साउंड फोर्ज भी है, तो ये तो था ग्राफिक डिजाइनिंग, ग्राफिक डिजाइन मतलब क्या है भाई, एड बनाना, फोटो में थोड़ा भी कलाकारी करना, डिजाइन बनाना, ये सब काम किस में होते हैं, कोरल में। अब आपको वीडियो में काम करना तो प्रीमियर, हालांकि वीडियो से रिलेटेड बहुत सारे सॉफ्टवेयर पर क्या करें, हमारे कोर्स में यही है। दूसरा साउंड एडिटिंग के लिए साउंड फोर्ज है, ठीक है, इसके लिए एक और सॉफ्टवेयर आता है उसमें भी हम कर लेंगे। तो प्रीमियर प्रो पहला इंस्टॉल होना चाहिए हमारे कंप्यूटर में, नहीं है इंस्टॉल तो क्या करेंगे, पहले डाउनलोड करेंगे और इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। और कम रिक्वायरमेंट जिनमें रहती है, मतलब जैसे पुराने कंप्यूटर रहते हैं उसमें प्रीमियर प्रो नहीं चलेगा, क्योंकि एडवांस वाला जो थोड़ा हैवी लेता है, मतलब मेमोरी भी ज़्यादा चाहिए, रैम सारी चीज़ ज़्यादा चाहिए उसको, प्रोसेसिंग भी। तो मेरे पास देखो यहाँ इंस्टॉल है और हम सीधे जाएंगे यहाँ पे एडोब प्रीमियर का 2021 वाला वर्जन को ओपन कर लेते, ठीक है। पुराने वर्जन भी है, 2023 भी है, पर वो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगा करके मैंने क्या करा, 2021 करा, ठीक है। इसको हम सिंपल क्लिक कर लेते हैं और क्लिक करने के बाद जैसे अन्य सॉफ्टवेयर रहते हैं ना कि भाई न्यू बनाना पड़ता है, तो इसमें भी तो न्यू बनाना पड़ेगा, ठीक है। देखो एडोब प्रीमियर प्रो दिख रहा है। वीडियो एडिटिंग का मतलब क्या होता है, पिक्चर जो होती है ना आपकी, पिक्चर को लाइन से बिना जर्क के चला देना क्या कहलाता है, वीडियो है ना, बिना जर्क के, मतलब ऐसा नहीं कि पिक्चर आ रही है फिर दूसरी आ रही उड़कर, आराम से चलते रहे, वही तो है वीडियो, ठीक है। यहाँ देखो आपको क्या लिखा आ रहा है, न्यू प्रोजेक्ट और एक पुराना बना बनाया, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अब एडोब प्रीमियर प्रो समझ गए हम वीडियो एडिटिंग के लिए, ठीक है। यहाँ देखो आपको न्यू प्रोजेक्ट का नाम आ रहा है, तो हम क्या दे देते हैं, माय वीडियो है ना, माय इमेज देते थे, माय वीडियो दे देते। यहाँ लोकेशन आ रही है, ठीक है ना, डॉक्यूमेंट में सेव होगा, चाहे तो आप इसको कहीं और सेव कर सकते, ब्राउज करें आप, यहाँ पर चले जाओ डाउनलोड में कर लो, और डाउनलोड में जाकर आप क्या कर दो, सेलेक्ट फोल्डर। देखो आपका जो वीडियो है कहाँ सेव हो रहा है अभी बताओ मुझे, सी यूज़र जो फोल्डर बना है उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट डाउनलोड में, डाउनलोड के बाद इधर बहुत सारी सेटिंग होती है, पर आपको कुछ नहीं करना, सीधे कहाँ करना है, ओके ओके जैसे करोगे तो आपका न्यू प्रोजेक्ट, अब प्रोजेक्ट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि सब चीज़ें रहती है उसमें, इमेज रहती है उसमें, साउंड फाइल रहती है उसमें, वीडियो फाइल रहती है, बहुत सारी चीज़ें, एनिमेशन वगैरह, ट्रांजिशन हम देते थे ना किसमें, पावर पॉइंट में, सारी चीज़ों का कलेक्शन होता है, इसलिए उससे बोलते हैं प्रोजेक्ट। जब हम उसे एक्सपोर्ट करेंगे किसी को भेजने के लिए, तब वो बन जाएगा फाइल, क्या बन जाएगा, फाइल, कैसे, वीडियो फाइल बन सकता है ना। चलो यहाँ आपको देखो ये विंडो दिख रही है, पहले तो हमको जो सामने दिख रहा है उसी के बारे में पता होना चाहिए, तभी हम कुछ काम कर पाएंगे। तो आप देखो यहाँ पे आपको दिख रहा मीनू बार, दिख रहा है, तो मीनू बार तो आपको पता है कि भाई बहुत सारे ऑप्शन का कलेक्शन जो होता है वो आपका क्या कहलाता है, मीनू बार कहलाता है, ठीक है। तो मीनू बार में हमको जरूरत पड़ेगी जो भी चीज़ों की वो हम देख सकते हैं। सबसे पहला मीनू हमारा काम का होता है, ठीक है, क्या, न्यू, न्यू मतलब न्यू प्रोजेक्ट बनाना, ओपन करना, रिसेंट में जो है वो ओपन करना, मतलब जो भी है, क्लोज करना, क्लोज के बाद देखो क्लोज की बहुत सारी चीज़ें दी है, जितने खुले उनको सबको सेव करना, ठीक है। तो ये चीज़ें होती है, साथ ही एक दो ऑप्शन और दिख रहा है आपको, देखो इम्पोर्ट, कहीं दूसरी जगह से हमारे प्रीमियर में क्या करना, प्रीमियर प्रो में डाटा को इम्पोर्ट करना, या वीडियो है जो भी, उसके बाद एक्सपोर्ट करना, मतलब हमारे जो प्रोजेक्ट बना है उसको एक्सपोर्ट करना वीडियो फाइल में या कहीं पे भी, ठीक है, बाद में देखेंगे, इंपोर्ट करना भी और एक्सपोर्ट करना। तो इंपोर्ट देखो आपको यहाँ पे मिल रहा है, ये देखो दिख रहा है, प्रोजेक्ट विंडो है, क्या है, प्रोजेक्ट विंडो लिखा भी है, आपको ज़्यादा ध्यान लोड लेने की जरूरत नहीं, सामने क्या लिखा है, प्रोजेक्ट विंडो, और हमारी फाइल का नाम क्या है प्रोजेक्ट का, माय वीडियो है, तो माय वीडियो की प्रोजेक्ट विंडो ये दिख रही है। यहाँ पे आपकी जितनी भी मीडिया फाइल रहेगी, ऑडियो फाइल रहेगी, सब कहाँ दिखेगी, यहाँ पे। अब आपको लाना है तो इस पर आपको क्लिक करना पड़ेगा, डबल क्लिक, फोटोशॉप में बीच स्क्रीन पर डबल क्लिक करते थे तो क्या होता था, इमेज ओपन करने के लिए डायलॉग बॉक्स आता था, ऐसे यहाँ डबल क्लिक करेंगे तो मीडिया ओपन हो जाएगी, मतलब मीडिया इम्पोर्ट करने के लिए। तो ये काम तो हम यहाँ से भी कर सकते, देखो इम्पोर्ट लिखा, कंट्रोल आई है ना, तो ले देखा काम तो बराबर है। तो यहाँ हम डबल क्लिक करके क्या कर लेते, जो भी हमारी मीडिया है उनको ओपन कर लेते। इसके लिए आपके पास में होना चाहिए इमेज, वीडियो, साउंड फाइल, ये चीज़ें आपके पास में होना चाहिए जिनको आप एडिट करने वाले, ठीक है, MP4 में जैसे भी।
तो यहाँ देखो मेरे पास में कुछ वीडियो है क्या, ये देखो ये 1080 में दो वीडियो पड़े हैं, है तीन चार है, ये देखो आइडियो फाइल भी है। चलो यहाँ हम ओपन कर लेते हैं और क्या करते हैं इस प्रकार से ओपन। जैसे हमने ओपन करे सारी फाइल ओपन होकर कहाँ आ गई है, यहाँ दिख रही। तो इन फाइल में देखो आप जो है कुछ जो है आपकी वीडियो फाइल है, कुछ साउंड फाइल है, आइडियो फाइल है ना। और लाना है तो क्या करेंगे, यहीं पे डबल क्लिक करेंगे। अब आप देखो चलो यहाँ पे आ गई, इसको बोलते हैं सोर्स विंडो, क्या बोलते हैं इसको, सोर्स विंडो। यहाँ तो हमको लाइव वाली फाइल दिख रही, बहुत सारी हो सकती है। एक बार बताओ पूरा का पूरा वीडियो लाए हमने, मान लो रिकॉर्ड किए हैं है ना, रिकॉर्ड करे हैं, कुछ चीज़ें हमारी ख़राब होती वहाँ भाई, कहीं नॉइज़ आ गई है, कोई आवाज़ आ गई है, तो हम चाहते हैं कि वो चीज़ें वहीं क्रॉप कर दी जाए। क्रॉप करके हम सही चीज़ों को कहाँ लाए, एडिटिंग के लिए। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जो चीज़ें हमको नहीं चाहिए वहाँ हम क्या कर देंगे, जैसे मान लो इसको अपन ने प्ले करे और प्ले करके यहाँ तक हमारी जो है, यहाँ एक मिनट, ये हमारी जो है यहाँ कहीं आए अपन ने कहाँ, यहाँ तक है ना, ये देखो दिख रहा है, एक से लेकर ये देखो यहाँ तक है 14 सेकंड तक है। इस 14 सेकंड में हमको यहाँ इतना नहीं चाहिए, शुरू का नहीं चाहिए। तो देखो आपको दो बटन नज़र आती होगी, मार्क और एक और दिख रही मार्क है ना, तो मार्क इन दिख रहा है और मार्क आउट दिख रहा है। तो कीबोर्ड से आप आई भी दबाओगे तो मार्क इन हो जाएगा, और कीबोर्ड से आप मार्क आउट यानी कि ओ दबाओगे तो भी तो हो जाएगा। तो आप यहाँ से निशान लगाना चाहते, देखो निशान लग गया। अब आपको ये फाइल यहाँ से लेकर यहाँ तक, देखो ये चल रहा है, अब आपको यहाँ तक ये देखो बात का जो एरिया इतना भी काटना है, तो आप यहाँ फिर से क्या कर दोगे, मार्क आउट। ये देखो इतनी फाइल आपकी क्या हो गई है, कट गई है। अब आपको इसको सीधे बीच में कहीं भी पकड़ो और पकड़ कर लाकर यहाँ पटक दो। ये देखो अब ये विंडो कौन सी है, ये टाइमलाइन विंडो होती है। टाइमलाइन विंडो का मतलब यहाँ एक से अधिक वीडियो फाइल, एक से अधिक आइडियो फाइल हो सकती है जिनको हम एडिट करने वाले हैं। एक से अधिक वीडियो को मर्ज कर सकते हैं, किसी वीडियो को अगर किसी में जोड़ना है, एनिमेशन डालना है, सारी चीज़ें कहाँ होती है, इसी में। पर वीडियो को काटा छाटी कहाँ हो गई, यहाँ से भी हो सकती है, पर यहाँ पे क्या होता है, हम फाइनल काम कर रहे हैं तो यहाँ पे काटने में कुछ दूसरी फाइल कट गई तो दिक्कत होगी ना। तो हम काटने पीटने काम कहाँ कर लेते हैं, सोर्स विंडो में, ठीक है। इस सोर्स विंडो में हम दूसरी फाइल भी ला सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्ले करके यहाँ भी देख सकते हैं, फास्ट प्ले करना, देखो ये देखो ये देखो ये, ठीक है। अच्छा दूसरा वीडियो हमारा जो है, देखो दूसरा वीडियो हम लाना चाहे तो डायरेक्ट भी ला सकते हैं, जैसे मान लो इस वीडियो को उठाए हमने और इस वीडियो को हम यहाँ लाना चाहते हैं, तो देखो जरा मैंने दूसरा वीडियो भी ले आया, ये देखो ये, ठीक है, ये दूसरा वीडियो भी लेकर आ गया। अभी वीडियो देखो जूम इन जूम आउट भी होता है, जैसे देखो इतनी सी जगह में आपको नहीं दिख रहा ना, तो इसको आप चाहे तो इतना फैला सकते हैं ये वाली विंडो को ऐसे, ठीक है। इसमें से भी आपको थोड़ा देखो ये विंडो बड़ी चाहिए, ये विंडो छोटी चाहिए, तो आप इसको भी क्या कर सकते हैं, बीच में लाकर छोटा बड़ा कर सकते हैं, बन जाएगा ना ये देखो ये, ठीक है। अच्छा ये विंडो आपको इधर उधर घुमाना, देखो यहाँ तीन डॉट दिया है, तीन डॉट तीन लाइनें, इसमें कुछ ऑप्शन भी आ रहा है। क्लोज का मतलब क्या होगा, विंडो गायब हो जाएगी, ज़रूरत ही नहीं है मतलब उसकी, जब ज़रूरत नहीं तब क्या करेंगे, क्लोज। अनडॉक का मतलब होता है कि आप विंडो को देखो इधर उधर ले जा सकते हो, मतलब अपनी जगह से क्या हो जाएगी वो गायब। पर एक बात बताओ, जब गायब हो रही तो देखो ये विंडो अपने अपने खो रही है कि इधर आ जाओ, हो रही कि नहीं हो रही। देखो आप यहाँ ला दोगे तो यहाँ फिट हो जाएगी, यहाँ ला दोगे तो यहाँ फिट हो जाएगी, तो आप यहीं पे यहीं से ले गए थे, तो यहीं से ले गए तो यहाँ क्या कर दोगे, फिट वापस आ गए विंडो हमारी। ये विंडो देखो हमारी बीच की जो विंडो है वो ज़रूरत नहीं है, ऐसे कर दो उसको, ठीक है, छोटी बड़ी जो भी है, इफेक्ट वाली विंडो है। कभी कभी क्या होता है, ये विंडो क्लोज हो गई है या फिर कोई विंडो हमारी उठकर कहीं और चली गई है, जैसे मान लो इधर आ गई, तो देखो थोड़ा पूरा खेल ही बिगड़ गया, अच्छा नहीं लगेगा नहीं। तो ऐसे में आपको एक एक विंडो को उठाकर सिस्टमेटिक जमाना पड़ेगा कि नहीं। तो उसी परेशानी से बचने के लिए हमारे पास एक ऑप्शन होता है विंडो में, देखो ध्यान से वर्क स्पेस दिख रहा है, वर्क स्पेस मतलब जहाँ हम काम करते हैं, तो वर्क स्पेस में हमको कितनी विंडो दिख रही थी, चार, चार में से दो तो गायब ही हो चुकी है, ऐसा मान लो एक कहाँ घुस गई जाकर और एक गायब हो गई, तो हम चाहते हैं कि रिसेट हो जाए। वर्क स्पेस में जैसे जाओगे देखो रिसेट लिखा होगा, लिखा रिसेट की शॉर्टकट की देख लो, आल्ट प्लस शिफ्ट प्लस जीरो है ना, जीरो है वो, हाँ जीरो मतलब नॉर्मल पोजीशन, जैसे कोई कितने भी ऑर्डर लाते को शून्य में कर देता हूँ, जीरो पोजीशन में है ना, ऐसा करते कि नहीं। तो इसको जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो देखो सब अपनी पोजीशन पे आ गए। तो जब भी कभी ऐसा हो जाता है ना हमारा, हाँ माउस है भाई, वो कहीं भी घींच दिए कुछ भी कर दिए तो क्या हो गया,
खेला हो गया, तो उसी से बचने के लिए हमने क्या करें, कंट्रोल शिफ्ट जीरो, कंट्रोल शिफ्ट जीरो है, कंट्रोल आल्ट जीरो है, आल्ट शिफ्ट जीरो है, ठीक है, ध्यान रखना, कंट्रोल के चक्कर में मत कर देना। तो देखो हमने दो वीडियो यहाँ ऐड कर लिए, हम चाहते हैं कि देखो हमारी जो विंडो है छोटी पड़ रही है, छोटी पड़ रही, थोड़ा इसको खींच दो इधर साइड, ठीक है। और ये दिख रहे हैं आपको, इनको आप देखो, ये दो पॉइंट दिख रहा है आपको, यहाँ पे दिख रहा है दोनों पॉइंट, ऊपर वाला जो है वीडियो का है, नीचे वाला आइडियो का है, ठीक है। तो इसको आप पकड़ोगे तो ऊपर करोगे, देखो विंडो यहीं पे, मतलब जो वीडियो है आपके वो यहीं पे दिखने लगेंगे, किस चीज़ का वीडियो है, दिख रहा है, आप यहीं पे प्ले करके देख सकते कौन व्यक्ति कहाँ तक चला और कहाँ से हमको काटना है। अच्छा एक चीज़ और देखो, ये तो दिखा रहा हमारा काटने पीटने के लिए प्रीव्यू, मतलब एडिटिंग के पहले, मतलब एडिटिंग करने के पहले अगर देखना चाहते हैं तो आप यहाँ देखो, और एडिटिंग करते समय देखना चाहते तो यहाँ पे देखो, देखो एडिटिंग करते समय देखो, यहीं प्ले हो रहा है, देखो वीडियो कहाँ हो रहा है, यहीं पे हो रहा है कि यहाँ हो रहा है, ये बिफोर एडिटिंग है और ये जो है एडिटिंग के टाइम पे, तो मतलब दोनों ही दिखाने का काम कर रही है, ठीक है। तो यहाँ से हम एडिट भी कर सकते काट छाट। यहाँ देखो इस विंडो का नाम है प्रोग्राम विंडो, इसको प्रोग्राम मॉनिटर भी बोलते हैं, इसको सोर्स मॉनिटर भी बोलते हैं, इसको टाइमलाइन बोलते हैं। टाइमलाइन का मतलब देखो सारी जो वीडियो फाइल है वो यहाँ दिख रही है कि कौन सी चीज़ें, देखो यहाँ देखो टाइम भी दिखा, तो टाइम से आप समझ सकते हैं टाइमलाइन विंडो, ठीक है। तो आपको चार विंडो समझ में आई अभी, कौन कौन सी, प्रोजेक्ट विंडो जहाँ मीडिया फाइल लाते हैं, दूसरी दिखी हमको सोर्स विंडो जहाँ हम मतलब एडिटिंग के पहले एडिट कर सकते हैं क्या वीडियो फाइल को, और उसको काट कर हम क्या कर सकते हैं यहाँ ला सकते हैं, और जहाँ लाते हैं उसको बोलते हैं टाइमलाइन विंडो। टाइमलाइन में हम चाहते हैं देखो साउंड को घटाना बढ़ाना, वीडियो को एडिट करना, सारे काम कहाँ होते हैं, टाइमलाइन में। टाइमलाइन हम देखेंगे विस्तार से, अभी टेंशन नहीं लेना। इसमें कुछ टूल्स भी दिख रहे, देखो फोटोशॉप में दिख रहे थे जैसे दिखते होंगे थोड़े बहुत, तो कुछ टूल्स का उपयोग होता है ज़्यादातर, कुछ का नहीं होता, हालांकि नाम सबके देख लेंगे अपन। नाम देखने में क्या रखा, यहाँ जाओ सिलेक्शन यानी पॉइंटर टूल, पॉइंटर टूल का एक ही काम होता है, यही काम होता है उसका, हर जगह जाओ आप पेज मेकर में गए होंगे, पॉइंटर का काम क्या था, पकड़ो और खिसका, फोटोशॉप में आए तो पकड़ो और खिसका, वही काम हो रहा, ले देख मेन काम वही है, एक्स्ट्रा में और दे देते उसको। उसके बाद देखो ये काम है आपका ट्रैक सेलेक्ट फॉरवर्ड, है ना, फॉरवर्ड करने के लिए, ये होता है आपका रिपल एडिट का, ये काम का आपका रेजर, रेजर का मतलब क्या होता है, ब्लेड या रेजर जो भी हम बोल सकते हैं, जिससे काटना या मिटाना जो भी बोल सकते हैं, तो इसका काम होता है कहीं भी ले जाओ और काट दो, रेजर है ना, अभी देखेंगे काटना। इसका काम होता है स्लिप टूल है, ये पेन टूल काम आता है हमको, पेन टूल का काम होता है, ये दिख रहा है ना आपको वॉइस, वॉइस कोई बहुत ज़्यादा तेज बोल रहा है, जैसे हम कुछ बोल रहे हैं और पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक चल रही है, जब कोई व्यक्ति बोलता है बैकग्राउंड म्यूजिक स्लो हो जाती है और नहीं बोलता तो तेज हो जाती है, तो उस कंडीशन को एडिट करने के लिए होता है पेन टूल। और हैंड टूल तो पता है आपको, इधर उधर खिसकाने के लिए, और टी टेक्स्ट के लिए कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यहाँ आपको मुख्य रूप से एक पॉइंटर, एक रेजर और एक पेन, बाकी दो तो आपके काम के, मतलब काम के है परंतु याद नहीं रखना, ठीक है। ये टूल भी आते हैं, एडोब प्रीमियर के टूल बॉक्स को समझाइए, तो आपको सबके नाम पता होंगे, डेफिनेशन पता होगी, तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, लिख दो, चित्र बना दो, लिख दो, ठीक है। डैशबोर्ड को समझाइए या वर्कस्पेस को समझाइए, क्या समझाओगे आप भाई, मीडिया फाइल मतलब प्रोजेक्ट विंडो होती है जहां हम मीडिया ला सकते हैं डबल क्लिक करके, है ना। दूसरा सोर्स मॉनिटर होता है जिसमें एडिटिंग के पहले हम क्या करते हैं, काट छांट करना या देखना काम करते हैं, प्ले पॉज सब है उसमें, देखो। उसके बाद हम फाइल को कहाँ लाते हैं, टाइमलाइन में। टाइमलाइन मतलब सारी वीडियो फाइल को कहाँ एडिट करते हैं, टाइमलाइन में। टाइमलाइन में जो भी चीज़ें होती है वो दिखता कहाँ है, प्रोग्राम मॉनिटर में। ये सारे काम होने के पश्चात हम एक कंप्लीट फाइल बनाते हैं, किसकी, वीडियो की, तो उसे बोलते हैं एक्सपोर्ट करना। क्या बोलते हैं, एक्सपोर्ट करना। तो एक्सपोर्ट कैसे करोगे, देखो जरा फाइल में जाएंगे और आपको जाना एक्सपोर्ट में और मीडिया में, आपको कहीं नहीं जाना है, कंट्रोल एम। जैसे आप कंट्रोल एम में जाओगे तो आपको देखो एक विंडो मिलेगी, नहीं दिखी, चलो कंट्रोल एम प्रेस कर दो, कंट्रोल एम प्रेस करे, देखो आपके सामने एक्सपोर्ट सेटिंग आ गया, एक्सपोर्ट सेटिंग में दिख रहा है, ठीक है। प्ले करके भी मतलब आगे पीछे करके देख सकते हैं। दूसरी चीज़, ये AVI टाइप है, AVI नहीं करना था, आप यहाँ पे देखो H264 में सही रहता है, मतलब अच्छी क्वालिटी होती है एक्सपोर्ट करते समय, ठीक है। या फिर आप देखो यहाँ जो आपको लगता होगा, देखो MP4, देखो MPEG, MP3 कर सकते हैं, ये गाने वाला कर सकते हैं ना भाई, अपने को वीडियो फाइल बनाए पर बैकग्राउंड म्यूजिक बच चाहिए तो गाने वाला कर दो, ठीक है। और इमेज में भी कर सकते हैं MP4 में, पर आपको ज्यादातर क्या रखना है 264, ठीक है। यहाँ एप्पल वाला भी दिखता होगा, ये एप्पल दिख रहा है क्या, दिख रहा है ये एप्पल अगर करते हो तो आप, अगर आपकी वीडियो फाइल कोई और एडिट करने वाला, मतलब आप असिस्टेंट हो या बॉस हो या कहीं के भी,
तो आप अपने कोई टीम मेंबर को भेज रहे हो कि भाई इसमें कुछ एडिटिंग करके हमको वापस भेजो, तो आप क्वालिटी घटा के भेजोगे कि ओरिजिनल भेजोगे? ओरिजिनल भेजेंगे, तो ओरिजिनल भेजना तो ये वाला भेज देना। हालांकि बहुत बड़ी फाइल होती है, पर क्या करें, भेजना ही पड़ेगा। जैसे आप फोटोशॉप की फाइल को फिर से एडिट करना चाहते तो आप PSD में करते, .PSD, तो फिर से एडिट करना तो कोई दिक्कत ही नहीं, करना ही पड़ेगा, और नहीं करना तो JPG। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे हम जो है 264 में कर दो, और यहाँ रखना आपको हाई रेट रखना तो ज़्यादा बड़ी फाइल बनेगी, मीडियम रखना थोड़ी कम बनेगी, और नीचे भी होगा उसमें बहुत सारी चीज़ें। देखो यहाँ 2K 4K 480 1080 बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, तो आपकी मर्जी। ये देखो अभी सुने होंगे ना आपने 4K TV आ गई, आ गई कि नहीं 4K TV? 4K TV मतलब समझते कि नहीं, 4000 DPI में दिखाएगा, वो जो आपकी क्वालिटी रहती है ना, जो आप 240 में देखते हो डाटा बचाने के लिए, वो 4000p में दिखाएगा। आप सोचो डाटा कितनी देर में पिएगा, चालू करे और गया। तो उसके लिए क्या चाहिए, फुल स्पीड 5G, मतलब जो वाईफाई होता है ना फाइबर, वो चाहिए। तो यहाँ देख लेना आपकी मर्जी कितना आपको बड़ा वीडियो चाहिए उस हिसाब से आप। और यहाँ देखो आपको दिख रहा आउटपुट नेम, तो आप कोई ना कोई नाम तो दोगे फाइल का, नाम दे दो यहाँ, और वीडियो फाइल है MP4, यहाँ आप सेव कर दो और सीधे ले जाकर क्या कर दो, एक्सपोर्ट। ठीक है, तो अभी मैंने सिर्फ बेसिक चीज़ें बताया आपको, इतने ही चीज़ें आपको ध्यान में रखना है, एक दो बार ध्यान से और लिख कर देखना है। ठीक है, अपन वो सिस्टम में भी करके देखेंगे इंस्टॉल हो जाए तो, फिर उसके बाद आप जो है इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लो इतने की। अब एक और काम बचा हमारा सिर्फ कि वीडियो को एडिट कैसे करना है, काटा पीटी करना, थोड़ा इधर उधर खिसकाना, जैसे वो वाली फाइल हमको इस साइड चाहिए गलती से उस साइड आ गई है, वो इधर कैसे लाएंगे, बीच में ट्रांजिशन कैसे ऐड करना है। भाई जैसे मान लो इस वीडियो को आपने प्ले करे तो डायरेक्ट ये वीडियो प्ले हो गया, तो बीच में कुछ तो होना चाहिए, हिलते डुलते आना चाहिए पावर पॉइंट टाइप, तो वो क्या है, ट्रांजिशन होते ही नहीं, एनिमेशन देते अपन स्लाइड ट्रांजिशन, वैसे ही हम यहाँ भी ट्रांजिशन ला सकते हैं, टाइटल जोड़ सकते हैं, भाई हमारी मूवी का नाम दे दो शुरू में आना चाहिए, लास्ट में आना चाहिए कितने टीम मेंबर ने इसको हेल्प किया, है ना, क्रेडिट देते ही नहीं अपन कि भाई किस किस को, मेन व्यक्ति का नाम होता है क्रेडिट, तो वो सारी चीज़ हम एडिट करना देखेंगे। ठीक, तो इतने रहने दे अभी।